हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है, उठ गई हूँ। बहुत तेज नींद आ रही थी बट उठ गई हूँ। हाँ, सबसे पहले उठते ही जूत को संभालती हूँ क्योंकि खंड जोत चल रही है ना, बट जल रही थी सही, तो अभी नहा लेती हूँ फिर चलते हैं बाहर। तो मेरे पास ऑरेंज कलर का सूट था, तो आज पहनना ऑरेंज, तो आज मैं पहनूंगी ऑरेंज कलर का। ये दोनों सोने लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग, अभी बाहर आके थोड़ा तेज बोल रही हूँ क्योंकि अंदर तो सोते रहते हैं ना। कह रहा था कि दीदी ये वाला सूट नहीं डालते हैं, रेड या ग्रीन पहनते, तो ऐसा नहीं है। एरोप्लेन तेरे को भी अभी जाना था क्या, डिस्टर्ब कर दिया। तो ना डे वाइज कलर डालती हूँ कि पहले नवरात्रे पे कौन सा डालना है, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा। थर्ड पे ना ऑफ वाइट या सिल्वर कलर डालना था जो कि मेरे पास है ही नहीं, बट नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि मैं पहले से मंगवा के रखूँ। जय माता दी गाइस, तो आज है चौथा नवरात्रा और मैं यहाँ पे कर रही थी अपनी आरती। सारे घर वाले सो रहे थे तो थोड़ा आराम आराम से ही मैंने आरती चला रखी थी। आप सब कमेंट करके मुझे ये बताना कि आप लोग को किस किस सिटी से हैं, किस किस सिटी से देख रहे हैं, और आपको कैसे कितने फास्ट रखते हैं, पूरे रखते हैं पहले दो आखिरी दो, किस तरीके से रखते हैं। और जो अभी अष्टमी की जो कढ़ाई होती है उसमें मुझे एक आइडिया देना मैं क्या बांट सकती हूँ। सारे बोलो जय माता दी। भाई मेरी हो गई पूजा। और आप सबके ना कमेंट आ रहे हैं कि आपकी भाभी रिप्लाई नहीं कर रही है, सूटों के ऑर्डर कैसे करें, ये वो मिल जाएगा। आपको पता है सिचुएशन क्या हुई है, थोड़े से बिजी चल रहे हैं यार। आप लोग भी समझ पाओगे क्या सिचुएशन चल रही है घर में, भाभी को क्या प्रॉब्लम हो गई थी और अभी भी सही नहीं हुई है। शाम को लग रहा था कि सही होगी, फिर उसको शाम को ऐसा लग रहा कि नहीं अभी मतलब सही नहीं हुआ, उसको प्रेशर बन रहा है बार बार। तो मिल जाएगा आपको रिप्लाई, थोड़ा लेट मिलेगा बट मिल जाएगा। और इतने सारे ऑर्डर करे मैंने, जैसे वीडियो डाली इतने सारे ऑर्डर आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतना सारा प्यार दिया आपने, सबको ही बहुत प्यारे लगे सूट। और बिट्टू आपके अंदर अलार्म भरा होता है क्या, है आपको पता चल जाता आपका टाइम हो गया उठने का। मैं अभी ना मेरा वो रात को कुछ तो टेंशन इतनी हो गई थी, फिर उसके बाद आई इसको सुलाया, ऊपर से इसको बहुत ज़्यादा वारेला डुर। मैं सोच ही रही थी कि करवा लूँ, बहुत अच्छा करा पुत्र, मार दिया सुसु भाई मेरे ऊपर ही मार दिया। इसको दूध पिलाऊँ उठा के लेके आऊँ, मैं थंबनेल टाइटल करने लगी इतने में तो ये उठ ही गया। ये कुछ खाएगा ना, कैसे देखेंगे आप। ना इतने ज़्यादा कमेंट करते हो एमी के लिए कि मैं इसको क्या खिलाते पिलाती हूँ, तो मैंने वैसे मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं सुबह के टाइम एक फ्रूट खिलाती हूँ उसको, जो भी वो खाना पसंद करे, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, मतलब जो सॉफ्ट हो, चाहे वो पपीता हो, चीकू हो। मेरा एमी मतलब फ्रूट खिलाने की कोशिश करती हूँ बट ये कम खाता है, कई बच्चे आसानी से खा लेते हैं, कई बच्चे नहीं खाते हैं, तो भी हाँ तो यो खाता नहीं है। बट आप ट्राई करो, ऐसा नहीं है नहीं खाएगा, कभी तो ये खाना सीख जाएगा। तो सुबह जैसे अभी ये उठा है, उठते ये दूध नहीं पीता, ये सोता है तभी दूध पीता, मैंने आप लोगों को बताया था, जगता हुआ तो ये बिल्कुल ही दूध नहीं पीता। तो सुबह ये उठ ही जाता, तो सुबह के टाइम नहीं पीता, रात में जो दूध पीता है पीता है, कभी कभार भले ही सुबह पी ले। और अब उठ के ये फ्रेश व्रेश होके अपना इसकी हैबिट है, उसके बाद ये 15-20 मिनट तुरंत नहीं खाएगा, पहले खेलेगा 15-20 मिनट, उसके बाद फिर मैं इसको खिलाऊंगी फ्रूट कोई भी, वो पूरा नहीं, चाहे वो दो बाइट बनाना की होती है ना, जितना पसंद करे, जबरदस्ती तो खिला ही नहीं सकते बच्चे को। उसके बाद फिर खेलेगा, अभी खेलने लग रहा, दिखाती हूँ। ये जितना नीचे खेलेगा उतना इसका खाना पचेगा और उतना सही रहेगा, तो अब ये खेल रहा है। इसके बाद फिर मैं करूँगी इसकी मालिश 20 मिनट बाद, और फिर इसको नहला दूंगी। नहलाने के बाद इसको फिर ये सोते टाइम फिर दूध पिएगा, पिएगा तो वो भी इसकी मर्जी होती है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना दूध कम करते जाते हैं। और दिन में 3 सॉलिड देते हैं इसको, जिसमें से एक बार दही होती है, 2 बार कोई भी फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो ये खिलाती हूँ मैं अम्मी। तो भाई अब जो है अम्मी आज बिना राइस हो गया पहली बार, पता नहीं क्यों, या तो ये बीमार चल रहा है इस करके थोड़ा सा थक गया होगा बेचारा, इसकी मालिश करी और तभी सो गया ये। तब तक मेरी काम वाली चौथा पांचवा दिन हो गया नहीं आई, पता नहीं नीचे गेट पे बोल रखे कोई हो तो बताना, बट फेस्टिवल वगैरह चल रहे, एक तो नवरात्रि ऊपर थे, ईद भी आ गई थी बीच में। झाड़ू लग गया, पोछा लगाना रह गया है, अब लगेगा पोछा। फिर मैं भी आज दिन में 1-1.5 घंटा सोऊंगी, क्योंकि सुबह मैं वही जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो दिन में सर 1 घंटा तो सो ही लूँ।
झाड़ू पोछा सब हो गया, एम उठ गया है, अब एम को नहलाएंगे फिर मैं जाके कहीं फ्री होंगी कुछ खाऊंगी। तो ये नहा लिया है, नहा के काजल डलवा लिया है और अब ये खेलेगा थोड़ी देर। हाँ जी लूज मोशन के आज तो इसको दवाई दे दी, आज मौका नहीं दूंगी, परसों हो गए कल भी हो गए कुछ तो ऐसे जाड़ी दात्री हो जाता है चिड़चिड़ा सूख जाएगा लड़का बिल्कुल। ले 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 ले, ले। सबको जय माता दी कर दो एक बार, बोलो साचे दरबार की जय, जय मैया रानी की जय, जय मैया रानी की जय, जय कर दो, जय जय कर दी भाई। अब ये थोड़ा खेल में बिजी है, खिलौनों के साथ कम खेल रहा है, ऑयल की बोतल हो गई इसकी, काजल की ये हो गई, इनसे ज़्यादा खेलता है। मैंने ये पिल्लो लगा दिया, ये इसका सारा लेके खड़ा होके हाथ छोड़ रहा है, मतलब ये इतना स्ट्रोंग हो गया बिजी, वो गिरा है मुँह। मित्तू आ गए थे बाहर ब्रश करने लग रहे थे, कह रहा ले खड़ा कूदन लग गया, पहला मैंने ले धोने के भी नहीं आने दिया और दे, अब कह रहा मेरे को ब्रश दे दे। इसको भी करनी है ब्रश करवाओ, दांत बेशक ना हो। देखो मित्तू आए हैं, ओए गिर जाएगा इसका सारा लेके कौन उठा जा, ये दूसरी साइड मुंह कर रहे हैं, इसका रिएक्शन देखना भी क्या करेगा। झूठ बोले, सोने का मूड बना के सोया नहीं, खेल रहा अपने पापा के पास। भाई पांच बार हम बोल चुके हैं, अगर कोई हमारी नहीं सुनेगा। तो ये जो भी मैं डिश दिखाती हूँ ना, तो बहुत सारी बहनों को हेल्प मिली है, एक तो स्पेशली उसका ना इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया अंजू सोनीपत करके कि आपने जो रायता बनाया था ना मैंने बनाया और इतना ज़्यादा टेस्टी लगा, और वो थैंक यू बोली थी और कह रही थी आगे भी बहुत सारी ऐसे ही कुछ भी बनाओ ना दिखाना, इसीलिए दिखाती हूँ यार क्योंकि आप लोग हमारी कुकिंग को पसंद। मैं ही सिखाता हूं इनको, चुपचाप खाना खा लो मम्मी की और मेरी से, ठीक है दिखा दे दो के दिखा दे सबको। तो गाइस आज बनने वाली है कि क्या बनेगा, अभी सैंडविच बनाऊंगा, ब्रेड कितने ब्रेड बिना ही बना व्रत की सैंडविच, बिना ब्रेड की किसी सैंडविच होवे ये समा का चावल की, देखो भाई किसी सैंडविच बनेगी नई स्टाइल की, आज हम भी देखेंगे दिखा। नारियल का बुरादा, नमक का आटा, आलू और वो हरी मिर्च, अदरक, अदरक हाँ। अदरक तो कहते हैं ना, डालते नहीं है, डालते हैं अदरक, डालते हैं हर जगह के ना, अलग अलग रूल होते हैं भाई ये भी। तो भाई इसमें दो कटोरी पानी की डाल के ऊपर से बुरादा डाल दिया और नमक का आटा और अदरक और मिर्च डाल दी और एक दो चम्मच देसी घी की डाल दी इसमें और इसको हलवे के तरीके से बना लिया ऐसे। आलू भी मैश कर दिया है इसमें, देख लो मतलब इसमें अच्छे से मिला देना है। तो इसको ना आपने एक ना थाली में निकाल लेना है और ऐसी ऐसी शेप में करना है कि इसके ना ब्रेड टाइप में इसको काट सके, क्योंकि हमें बनानी है इसकी सैंडविच। तो ये देखो ये कुछ ऐसा सा हो गया है, ठीक है अब इसको ना हम ब्रेड ब्रेड की शेप में काट लेंगे ऐसे और फिर सैंडविच की टाइप से, पहले थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। रायता बनाऊंगी नमक वाला, उसके ऊपर थोड़ा सजाने के लिए अपना अनारदाना डाल लेंगे। तो ये विद इन वन मिनट मेरा रायता भी रेडी हो गया, जिसमें काली मिर्च नमक और ऊपर तक अनारदाना डाल लिया। तो इसके ना चार टुकड़े कर दिए ऐसे ऐसे करके, तो इस तरीके से आपको देखो मैंने पीसेस कट कर दिए हैं, ये एक हो गया ऐसे, इसमें से दो ऐसे कर लिए हैं और इसको हम लोग अभी देख रहे हैं और जब रेडी हो जाती है फिर दिखाते हैं। देखो इस तरीके से मैं ये सैंडविच का पीस बन गया ना, तो आपको ऐसे करके इसको सेकना है कट करके। ये देखो मैंने कितने प्यारे पीस निकाल लिए हैं, ये देखो ऐसे निकाल लें आप लोगों को भी। तो ये देख लो कितनी प्यारी सैंडविच बनी है और मैं कह रही हूँ टेस्ट तो ऐसा इसका आर पार का, बहुत ही टेस्टी है। तो ये तैयार हो गई है आलू की सैंडविच और इसकी जो फुल रेसिपी है ना वो आप लोगों ने देख ली, ट्राई करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी है, साथ में पुदीने की चटनी ली है मैंने, ये फर्स्ट वाली सैंडविच वाली इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी ज़बरदस्त, आप लोग ट्राई करना एक बार, याद ही करोगे कि क्या बढ़िया रेसिपी बताई थी।
और हमारे इसके महाराज के आराम ही नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही भाई, क्या दिक्कत आ रही आपको इसके? भाई यार जाड़ी दात रही है, मैं लूज मोशन दवाई तो दे रही हूँ बट कर ही रहा है बार बार। हाँ जी आपको बात करनी है क्या? हाँ और भाभी अभी ठीक है, बात शाम को जाऊँगी, सुबह तो नहीं जा पाई खाना बनाने। मम्मी के परहेज है, भाभी के परहेज है, कौन करे यार, मैं शाम को जाऊँगी। सो ही नहीं रही के बारे में कुछ नहीं जानते और तुम बहुत गाढ़ा दलिया बनाते हो, हमेशा ही कुछ यम्मी खाना बना होता है। बाहर गाड़ी की सर्विस वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं दूसरी ट्रिप की तैयारी। और एक चीज बताना भाई कि गाड़ी का कलर चेंज करवा देगा, जैसे ब्लैक है अभी, तो अगर आप लोग कहोगे आपके कमेंट आएंगे तो येलो या जैसे कलर हो गया या और कोई भी कलर जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे गाड़ी का वही कलर करवा देंगे। तो जरूर कमेंट करके बताना कि गाड़ी का क्या कलर करवाना चाहिए नेक्स्ट ट्रिप के लिए। तो भाई मैं आ गया था डिटेलिंग रेडी के शोरूम पे, तो गाड़ी को दोबारा से चेंज करवाते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन करवानी है, कलर वगैरह क्या करवाना है, सारी चीज़ें आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और जिनको भी पीपीएफ वगैरह कुछ करवाना होता ना तो यहाँ से करवा सकते हो आप लोग। और ये देखो एक गाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो कैसी चमक रही है भाई गाड़ी, भाई साहब ब्लैक गाड़ी है और ऐसा लग रहा है, ये देखो मतलब इतनी क्लीन तो आपको शोरूम के अंदर भी नहीं मिलेगी जितनी चमक यहाँ पे हो रखी है, ये देखो गाड़ी पे। तो इस पर क्या क्या काम हुआ है सर? तो भाई जिसको भी करवाना हो पीपीएफ वगैरह तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने यहाँ पे डिटेलिंग डैडी सेक्टर 62 गुड़गांव। पीपीएफ हो गया जैसे अंदर से आप रस्टिंग वगैरह का भी करवाते हो, वो कोटिंग हो गई आपकी, मिरर की कोई कोटिंग हो गई, अंदर की एम्बियंट लाइटिंग वगैरह जैसे करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी 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 जो चीज़ आप ऐड करवा सकते हो और गाड़ी की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस चीज़ से। अब देख लो सर पूरी गाड़ी पे अपन इतनी लगभग 5,000-6,000 किलोमीटर ट्रैवल करके आ गए, मतलब छोटा सा भी कहीं पे ना ये नहीं कपड़ा लगती साफ हो जाता है सारा का सारा, कोई स्क्रैच का काम ही नहीं हुआ पूरी 6,000 किलोमीटर के अंदर भी। तो भाई इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते हो तो थोड़ा सा ये खर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है आदमी को। तो भाई गाड़ी को छोड़ दिया हमने मॉडिफिकेशन के लिए और निकल लिए हैं वापस घर के लिए। तो कैब करी थी मैंने, ये देख लो भाई ने बैठते ही पहचान लिया, बोला ना आप तो वही हो, मैं कह रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ यार, गलत पहचान रहे हो आप, मान लो बात। हाँ गोवा जाके आए थे भाई हम, हाँ जी। तो भाई कह रहा है सारी वीडियो देखता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हो ठीक है। तो ये ना शाम की सब्जी बन रही है घिया की उन लोगों के लिए, मैं तो टमाटर नहीं खाती हूँ, कई लोग टमाटर खाते हैं कई नहीं खाते, मम्मी है ना सब्जी में टमाटर डाल रहे हैं, नवरात्रा में कई खावा कई नहीं, सबका अपना अपना हो रहा है। तो इसमें जीरा डाल दिया था, घी डाल दिया था या घिया डाल दी है क्योंकि सब्जी में यही बना के लेके जाऊँगी। ये टमाटर कट कर रखे हैं, ये धनिया है और इसमें है सूखा धनिया और हरी मिर्ची और अदरक। तो ना इसको थोड़ा सा सेक लिया है घिया को पहले मुँह कढ़ाई है जैसे दिखाया था, थोड़ा धनिया जीरा और घी डाल के ये सूखने लग रही है, और जो मैंने पेस्ट बनाया था ना धनिए का और मिर्ची का हमने वो डाल दिया कुकर में, देसी घी का तड़का लगाया इसमें भी, और आलू को टमाटर को कर लिया ऐसे ग्राइंड बिल्कुल, ये है धनिया बाद ये डाल दिया है इसमें टमाटर की ग्रेवी, आप इस तरीके से ट्राई करना जो भी वो टमाटर वाला आपका पक जाए ना क्या बोलते हैं इसको पेस्ट टमाटर का तड़का, तो फिर हम इसमें ना जो हमने घी कढ़ाई में करी थी ना वो इसमें डाल, ये अपने पापा के साथ गया हुआ था, ये देखो किस पोजीशन में टेढ़ा हो रखा है पूरा आया जब। हाँ जी घूमी होगी आपकी पार्क में, डेली जाता अपने पापा के साथ आधा एक घंटा घूम के आते हैं। तो ये जो सैंडविच बच गई थी ना यहाँ लेकर आई दो पीसेस में टूट गई, तो ये बाहर खा लेंगे क्योंकि इनका फास्ट है एक्स्ट्रा थी, मैं ले आई यहाँ पे। और अब मैंने बना दी कुट्टू की रोटी स्टार्ट क्योंकि दोनों भाइयों का फास्ट है, पहले ये बनाऊंगी और फिर बनाऊंगी वैसी, आ गई थी मैं मम्मी के और अम्मी ने छोड़े उसकी दादी के पास, वो आराम तक खेलने लग रहा था घूमे था नीचे, फिर मैं जाकर अपना घर जोत लगाऊंगी मतलब। तो मम्मी ने बोली इतनी मोटी रोटी जितनी मैं बनाऊँ ना कुट्टू की, बोली सोनू को नहीं खावा मोहित तो बेचारा खा ले जिसी बनाऊँ, तो मम्मी थोड़ी पतली बनाऊँ मैं थोड़ी मोटी बनाऊँ थी, तो
मैंने आटा बना दिया था, मैं साथ ही साथ थोड़ी देखूँ किस तरह पतली बना हुआ है, फिर गेहूँ की बनाऊँगी। दुखी हो गई अभी अकेली। मेरा बेटा हेलो कर दे सबको। अच्छा ऐसे बोलते बुआ बुआ बुआ। अच्छा ऐसे बोलते जय माता दी, जय जय कर दो, जय जय कर दो। क्या से बुआ कर दे बेटा, बुआ बुआ कोई बेटी बुआ कर दे बुआ। मेरा उन्हें बहुत छाना है, बहुत छाना है, छाना है। चल दादा के पास खेल में रोटी बनाओ बेटा। मोहित ने खा ली और सोनू भाई जा रहा है बाहर, वो आके खाओ बना के दिल दी, मम्मी सेक दे ली पाछे। मम्मी और भाभी खाना खा रहे हैं, बताइए मम्मी दोबारा लेके आयो दूसरी रोटी, वो तो वापिस रख दी थी, कितनी देर की रख रखी थी, क्या से बैठा था जब की बात है। सब्जी किसी लागी मस्त तेरी सब्जी किसी लागी, अरे छोड़ो थम सब्जी की तारीफ कर दो एक बार। मस्त बना रखे ना, ठीक है सब्जी पसंद आ गई। पहले मम्मी मिर्ची ना खा करती, खाने लगी थू थू टोक ना लग जा। जाऊं पा मैं, बाय हो गई सारी। हां मैं तू आन लग रहे हैं, अपने आप पार्ट लगाइयो दा सते। बाय बेटा, बाय बाय लड्डू, बाय बाय कर दे, बाय बाय जी, बाय बाय। ना मैं दूसरी बनाऊंगी जाके, ए मैं प्यारी कर दे, प्यारी कर दे बुआ को, प्यारी कर दे, प्यारी करे तेरा लड्डू बेटा, यो लड्डू बेटा मेरा। 10 मिनट पहले आ जाना है, सुना मम्मी दो चार सुना। अच्छा हैं, मतलब 15 मिनट पहले आ जावा है। मम्मी सुना है नु का पहले क्यों ना आया, चाबी मैंने नहीं कही थी मैं फोन करूंगा जब आइए। चल झूठा दे, मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया बेटा, कितना ऐसा कर रहा है, पी पी ब्ला हो रहा ना, ऐसा लग गया था मम्मी तू आ गया ब्ला। रेस्ट कर लिया, कुछ करिए मत, कदे अपने परहेज तोड़वा ले, नहीं भजेंगे उधर, ठीक है। थक जा भैया, किल्ली करने वाले घर पे आ गए थे। अरे भैया कपड़े इसके गंदे ना हो रहे, कदे ना सोचो गंदे हो रहे, इसका कलर चट गया, इसकी दादी की चुंदड़ी का। मैं घर पर आ गई थी ना, तो आके पूजन कर लिया अपना, और आज मैं थोड़ा लेट हो गई, 8 बज गए एक्चुअली। इस टाइम तो शायद खाना भी नहीं चाहिए, लेट हो गई काफ़ी, बट कल से अब हम कर रहे हैं, मतलब मम्मी और मैं तो खाएंगे पनीर वाले पुलाव, तो बनाऊँगी मैं पनीर वाले पुलाव और बाद में फिर खाऊँगी उनके साथ, इकट्ठा ही खा लेंगे। यहाँ पे पनीर कट हो चुका है, यहाँ पे आलू। क्या बोल रहे हो, गुड नाइट बोल दो सबको, बोल दो जय माता दी, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट कर दो।